गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैंने नहा लिया है और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो अभी जा करके पूजा करेंगे नवरात्रि की। और फिर कल मैंने शाम को ही पूरा रात को पूरा मंदिर को साफ कर दिया था, और अभी जा करके पूजा करेंगे। व्रत मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ पूजा करेंगे और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलते हैं, अभी हमारी नवरात्रि की पहले दिन की पूजा करते हैं। भगवान को नहलाएंगे, उसमें फूल पत्ती जो भी चढ़ा करके फिर छोटू सा एक हवन करेंगे, मतलब हवन सामग्री डाल के, और सारे सारे भगवान का नाम लेकर के आवाहन करेंगे और सबका पूजा करेंगे। फिर ऐसे नवरात्रि की शुरुआत हो गई, और फिर अभी 9 दिन पूरे डेली सुबह शाम पूजा करेंगे नियम से। बस यही छोटू सा है, तो चलते हैं। अभी मैंने नहा लिया है और नहा करके जा रहे हैं अब अपना नवरात्रि की पूजा करने। आप लोगों को भी दिखाते हैं, आ जाइए हमारे साथ। थोड़े से फूल, तो पूजा के लिए थोड़े से फूल तोड़ ले। ये जासमीन के फूल है, बहुत अच्छे हैं। थोड़े तो तोड़ के रख लिए थे, और ये वाले तोड़े, ये सुबह तक पूरे मुरझा जाते हैं। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर महिमा। तो आज है नवरात्रि, और आप सभी लोगों की नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और मैंने अभी पूजा कर ली है, जो मैंने छोटी सी झलक आपको दिखाई है पूजा की अपनी नवरात्रि की। तो अब मैं पूजा करने के बाद मेरी ये चाय पीती हूँ, तो आप लोग भी पीजिए चाय सुबह की। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और पीते हैं अपनी चाय, उसके बाद करते हैं दिन की शुरुआत। मिलते हैं आपसे, तब तक आइए देखिए क्या क्या करते हैं पूरे दिन में आज। तो वैसे मैंने व्रत नहीं किया है, बस मैंने नवरात्रि की पूजा की है, और अब पूजा के बाद मैं चाय पी रही हूँ। और मैं अभी पूरी नवरात्रि अच्छे से पूजा करूँगी 9 दिन माता की, और शाम को सुबह पूरा पूजा छोटू सा हवन ये सब करूँगी। और इसके बाद में क्या कहते हैं आखिरी दिन या अष्टमी के दिन में के खिलाऊंगी, मतलब इस तरह से बस मैं माता जी का पूजा करूंगी। और बस अभी पीते हैं चाय, उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट। बेटा गया हुआ है आज एग्जाम के लिए, हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं, तो घर पे बस मैं अकेले हूँ। तो अकेले के लिए अभी क्या बनाऊँ, तो थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट हल्का सा रखा हुआ, देखते क्या है वो खा लेंगे, ब्रेड या कुछ या पराठे बना लेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे। कर रही थी तो बैठ करके, और उस दिन मैं आप लोगों को बताया था कि साशा हॉस्पिटल गया था, तो उसके बाद अभी साशा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, और दिखाएंगे उसकी भी थोड़ी बहुत शैतानियाँ, वो क्या क्या कर रहा है। बिल्कुल नॉर्मल, बहुत शैतान है, मतलब कुछ भी खा लेता है मुँह में, कभी ये खा लेगा कभी वो खा लेगा। बीगल के साथ बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, ये जो बीगल होते हैं ना, ये कुछ भी खा लेते हैं। मतलब 2 बार तो ये मांस खा गया, वो जा करके डॉक्टर से जल्दी गया, तो वो पेट में था वो निकलवाया,
एक बार उसने आम की गुठली खा ली, वो आंतों में फंस गई, वो हम लोगों को पता ही नहीं थी कि खा लेता है। तो अभी बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिल्कुल बच्चों की तरह इसको देखना पड़ता है कि कहाँ है, शाशा इधर है, शाशा उधर है, मतलब आंखों के सामने ही रखना पड़ता है। और सच में बिल्कुल, मतलब ये लोग जब घर में रहते हैं ना तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब हमारे बच्चों जैसे, मतलब इतना प्यार इनसे हो जाता है कि 2 मिनट अगर इनको ना देखूं तो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सितानी बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। और बच्चे भी मेरे, दोनों बेटे जो है ना इसको बहुत प्यार करते हैं। मतलब एक बेटा तो बाहर है पढ़ाई कर रहा है तो वो भी याद करेगा, मतलब उसको मम्मी पापा की याद नहीं आ रही है पर शाशा की बहुत याद आती है, और उससे मिलने के लिए बोलता है कि मुझे शाशा मिलना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां होंगी तब आ करके मिलो। और जो छोटा बेटा है वो तो बस आते ही शाशा कहाँ है, और ये भी जब तक वो गया है एग्जाम देने के लिए गया है तब तक ये बिल्कुल बस डोर पे ही जाके बैठा रहेगा या सुस्ता बैठा रहेगा जब तक वो आ नहीं जाएगा। तो इन लोगों को मतलब ना पूरा फैमिली चाहिए एक डॉग को। तो चलते हैं, पीते हैं हमारी चाय, एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी करिए एंजॉय अपनी चाय। तो जी पूजा हो चुकी है, अब हम बना रहे हैं यहाँ पर लंच। लंच में आज मैंने बनाया है लौकी का कोफ्ता और चावल, दाल, रोटी। तो बनाते हैं हमारा लंच, उसके बाद मिलते हैं फिर आप लोगों से। इवनिंग में मंदिर जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ का भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे लंच के बाद। शाशा का खाना आ रहे। तो हम हो गए हैं तैयार, अभी जा रहे हैं शाम को मंदिर। मंदिर होके आते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर हो गई है। तो ये देखो, ये मैंने नया अपनी ड्रेस पहनी आज, ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। तो इसका पूरा लुक कभी दिखाते हैं आपको। ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, ये देखिए कैसी लग रही है बताइएगा।
और कुछ नारियल चीनी लेना है, नारियल चीनी तो साथ लेते हैं। नारियल कैसे गए अभी मंदिर से पूजा करके। हाँ पूनम, साशा कहाँ थे तुम? साशा को छोड़ के गए थे। अभी देखो मंदिर नहीं ले जा सकते थे तुमको, खुश खुशी गए थे। बाय बाय नहीं, वॉकिंग तो रात को जाएगा। चलो फिर प्रसाद कर दे। चाय पीनी भी नहीं साशा। तो ये है हमारा काली मंदिर का प्रसाद जो अभी हम लेकर से आ रहे हैं। आप लोगों को भी काली मंदिर का प्रसाद डालो। अच्छा लो प्रसाद। अच्छा
तो हम आ गए हैं अभी मंदिर से और ये लाए प्रसाद। काली माता का मंदिर है और अच्छा है, पास में ही है ये। तो आप लोगों के लिए भी ये प्रसाद। जी अभी हम वो करके आ गए हैं मंदिर और शाम की आरती हो गई है, मंदिर हो करके आ गए। तो आज ये था हमारा नवरात्रि का पहला दिन। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।